हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जो है जारी हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको कैसे चेक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सीधे सीधे आपको जो है गूगल खोलना है और गूगल पे डालना है MPPEB रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, जो पहला ही जो है जो पेज आ रहा है पहला ही, इसको आपको क्लिक करना है इस पर, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो है एमपी पुलिस की जो है ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों पूरा देखना तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट जो लिखा हुआ है इस पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेज रिजल्ट पुलिस कॉन्स्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट 2020, ठीक है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो जो है आपको यहाँ पर रोल नंबर मांगेगा आपसे, ठीक है। आपसे यहाँ पर जो है रोल नंबर मांगेगा, या तो आप एप्लीकेशन नंबर डाल सकते हैं जो 13 डिजिट का होगा, या फिर रोल नंबर डाल सकते हैं जो 8 डिजिट का होगा। इनमें से दोनों में से एक ही डालना है, दोनों नहीं डालना है। उसके बाद नीचे आप यहाँ पर जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ठीक है। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10 फरवरी 1999, तो कैसे डालना है पहले 10 लिखेंगे। देखिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ, पहले 10 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये ऑब्लिक लगाएंगे, उसके बाद 2, उसके बाद 1999, तो 1999, ठीक है। ए भी लगाना ज़रूरी है ऑब्लिक, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। और 2 है जैसे आपका फरवरी है, तो 0 भी लगाना पड़ेगा आगे, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे कैप्चा डालना पड़ेगा, जो आप कैप्चा यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर सर्च बटन पे आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आपका रिजल्ट खुल जाएगा। मैं आपको एक रिजल्ट खोल के बता भी देता हूँ, ठीक है, कि आपको कैसे रिजल्ट खोलना है। चलिए तो बताते हैं, मैं अपना जो है रोल नंबर डालता हूँ किसी का। तो दोस्तों देखिए, जैसे हमने रोल नंबर डाला है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाली है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको कैप्चा डालना है और आप सर्च पर क्लिक कर देंगे साफ साफ तरीके से कि जो है यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आप देखेंगे तो रोल नंबर है, सब एप्लीकेशन है, नेम ऑफ कैंडिडेट है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, कैटेगरी है, जेंडर है, उसके बाद ये सब लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए पोस्ट नेम कॉन्स्टेबल GD यहाँ पे देख सकते हैं, और रिजल्ट का स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं, क्वालिफाइड दिख रहा है आपको, ठीक है, क्वालिफाइड दिख रहा है आपको। जैसा कि तो ऐसा जो है अभी नंबर शो नहीं हुए हैं, ठीक है, ओनली जो है क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड दिख रहा है केवल, ठीक है। और जिसको भी अपना चेक करवाना हो, तो वो जिसको ओपन नहीं हो रहा है वेबसाइट, तो वो कमेंट करके ज़रूर कमेंट में जो है अपना जो है या तो एप्लीकेशन नंबर लिखें या फिर जो है ठीक है, और उसके बाद या फिर रोल नंबर लिख दें, ठीक है। और साथ में जो है आपको डेट ऑफ बर्थ भी लिखनी है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिखना ना भूलें। तो यदि मेरे से खुलता है तो मैं आपको ज़रूर आपको भेज दूँगा, ठीक है, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है दोस्तों। और जिसका भी खुल गया है वो अपने नंबर ज़रूर शेयर करें, अपनी कैटेगरी भी साथ में लिखें, और ये भी बताइए आपका हुआ या नहीं, ठीक है। जिनका हुआ है उनको बहुत 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 बधाई हो, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों।